इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन सो वी हैव बीन टॉकिंग अलॉट अबाउट द कैपिटल एलोकेशन लाइन सो कैपिटल मार्केट लाइन इज आ स्पेशल टाइप ऑफ कैपिटल एलोकेशन लाइन और इसमें क्या स्पेशल बात है आई एम गुंड टू एक्सप्लेन सो कैपिटल मार्केट लाइन जिसको हम एब्रीविएट कर रहे हैं एस सी एम एल ये वो लाइन है जो कि आपको ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न दे रही है सो so, ये होती सी एल ही है कैपिटल एलोकेशन लाइन ही है मगर वो कैपिटल एलोकेशन लाइन जो कि ऑप्टिमम रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन डिफाइन कर रही हो उस पर्टिकुलर कैपिटल एलोकेशन लाइन को हम कैपिटल मार्केट लाइन टर्म करते हैं तो so, जब हमने पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात की थी कैपिटल एलोकेशन लाइन और एफिशिएंसी फ्रंटियर की तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाली कैपिटल एलोकेशन लाइन के ऊपर आपको ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन मिल रहा था उस पर्टिकुलर कैपिटल एलोकेशन लाइन को हम कैपिटल मार्केट लाइन बोलते हैं सो इट इज कैपिटल एलोकेशन लाइन बट उसमें खूबी क्या है दैट इज इट इज दैट स्पेसिफिक कैपिटल एलोकेशन लाइन जिसके ऊपर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न रखा हुआ हो सो इट इज ए स्पेशल केस ऑफ कैपिटल एलोकेशन लाइन और इसकी जो स्पेशियालिटी है वो क्या है द स्पेशियालिटी इज दैट द स्लोप ऑफ सी एम एल इज द शार्प रेशो वी हैव हैड कि शार्प रेशो क्या होती है शार्प रेशो ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो सो आई एम गो टू फर्दर एक्सप्लेन इट के सी एम एल की स्लोप शार्प रेशो जब हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है सो वेन वी लुक एट द इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ सी एम एल एंड एफिशिएंसी फ्रंटियर हमने कहा ये वो कैपिटल एलोकेशन लाइन है जहाँ पॉइंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिलेगा एफिशिएंसी फ्रंटियर से नाउ और उसकी वो खास स्लोप है जो कि शार्प रेशो के इक्विलेंट होती है नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पॉइंट दैट फॉल्स बिलो सीएमएल सीएमएल के नीचे जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं रिस्की एसेट्स के रिस्क फ्री एसेट के वो तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस ऑप्टिमल नहीं होंगे वो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं देंगे जो सिर्फ वही पॉइंट्स जो कि सीएमएल के ऊपर फॉलो कर फॉल करते हैं सिर्फ दे विल बी एबल टू गिव यू द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबल एसेट्स जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नाउ आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट द शार्प रेशो सो इफ वी लुक एट द सी एम एल्स फॉर्मूला वी कैन सी दैट सी एम एल फॉर्मूला कैन बी गिवन बाई दिस रिलेशनशिप और इसमें जो इंटरसेप्ट है दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न और ये शाप रेशो है जो कि इसका स्लोप बता रहा है तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एवियशन ऑफ द मार्केट रिटर्न सो इस पर्टिकुलर वैल्यू से आपको पता चलता है कि इसका स्लोप क्या है ये आपका इंटरसेप्ट है और इससे आपको वो कैपिटल एलोकेशन लाइन मिलेगी जो कि जिसके ऊपर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिलता है इवेंचुअली आपको और आपको ऑप्टिमल एलोकेशन मिलती है बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड दे फॉर वी आर कॉलिंग दैट स्पेसिफिक सी एल एज द सी एम एल दैट आई दैट कैन बी टर्म्ड एज और दैट कैन बी एक्सप्रेसड एज द कैपिटल मार्केट लाइन नाउ इफ वी लुक एट इफ वी डिलीवरेट फर्दर ऑन द स्लोप ऑफ सी एम एल दैट इज बेसिकली

उसके ऊपर जो रिटर्न मुझे मिलना है तो वो इस सिक्स परसेंट से हर हालत में ज़्यादा होना चाहिए अब जितना रिस्क ज़्यादा होगा जिसको हम सिग्मा से मैर करते हैं जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही मैं रिस्क का प्रीमियम ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगी मैं चाहूँगी कि जितने मेरे पैसे डूब जाने के चांसेस ज़्यादा हैं उतना ही आई वुड एक्सपेक्ट आई आई वुड लाइक टू हैव हायर रिटर्न बिकॉज आई एम टेकिंग अ हायर रिस्क तो वो जो हायर रिटर्न होगा माइनस रिस्क फ्री रिटर्न उस पर्टिकुलर डिफरेंस को हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम कि मुझे वो फ़ायदा इजाफी मिलना चाहिए जिसके अगेंस्ट में बड़ा लेवल ऑफ रिस्क लेना चाहती हूँ एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने के लिए नाउ इफ यू लुक एट द डायग्राम ऑफ द कैपिटल मार्केट लाइन

कि आपकी जो रिस्क प्रीमियम है डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड स्टैंडर्डन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो सो आपने वो डिफाइन की है और उसके हिसाब से आपका कैपिटल मार्केट लाइन बनेगा और कैपिटल मार्केट लाइन को अगर आप फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ ढेर सारे कुछ भी कैपिटल एलोकेशन लाइन्स पड़े हुए हैं जैसे ये सी एल सपोज सी ए एल वन है ये सी एल टू बनाया मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट विच वॉन्ट टू मेक सी एल थ्री मगर ये वो सी एल है जिसको हम कैपिटल मार्केट लाइन बोलेंगे इवेंचुअली जिसके ऊपर आपके ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बैठा हो फाइन सो दे फॉर वी कॉल दिस एज द कैपिटल मार्केट लाइन